सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। ये महेंद्र फौजी भाग नंबर 2 लेकर आ गए सिसोदिया कैसेट जारचा रोड दादरी। दोस्तों, जिस समय श्री जगमाल वे महेंद्र फौजी की तकरार चल रही थी, तो उस समय वहां सतवीर नहीं थे। मेहरबानो महेंद्र फौजी वहां से अपने घर मेवला आ जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद आधी रात के समय फौजी के घर डकैती हो जाती है और उसमें महेंद्र फौजी की घरवाली कृष्णा देवी वे बच्चों को चाकुओं से घायल कर दिया गया और यहां तक कि कृष्णा देवी के चाकुओं से स्तन तक भी काट डाले। तो भला ऐसी स्थिति में कौन आदमी किसी बात को सहन कर सकता है। दोस्तों, महेंद्र फौजी गांव और सभी एरिया गम की दुनिया में डूब गए, क्योंकि यह बहुत बुरा अत्याचार था। सब हाल देखकर रो रहे थे। तो दोस्तों, महेंद्र फौजी इस बात के द्वारा रो रो कर क्या कह रहे थे, क्या लिख दिया भला कवि ने। देख के हाल ब्याही का हुआ जल, नैनो से जारी रोया फौजी सरमार के रच दी करता। देख के हाल ब्याही का हुआ नल, नैनो से जारी रोया फौजी सरमार के रच दी करतार। हम में नमक लगाया है, दुष्ट तू ना शरमाया है, आप सब कुण बेकी तारी कतल करया परिवार। देख के हाल बिहार बकती लाश बच्चों की छाती से लावे था, जगे थी क्रोध की अग्नि, कदे मन में गम खावे था, सब धीर बंधावे था, किस्मत फूट गई मारी।
करता सोच विचार के रच दी करता जाने व्यक्ति ने किया है, लेकिन जो वह सोच रहा था वह गलत था। लेकिन किसी ने कहा था कि सीख पत्थर को भी फोड़ देती है। मेहरबानों, यह काम फौज के घर सतवीर गुजर व चेयरमैन जगमाल का नहीं था, लेकिन झूठी सच्ची बातों ने फौजी के तन में आग लगा दी। फौजी अगले रोज बदले की भावना में डूब जाता है और रात सर पर अंधेरी थी, बदला लेने के लिए चल देता है। और फौजी ने क्या किया इस रागिनी के द्वारा आपके सामने पेश होगा। हो क्रोध भरा फौजी के तन में, हो क्रोध भरा फौजी के तन में, मैं बदला ले लूं आज शेर न्यू सोचे था मन में, रे 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 रे। ओ क्रोध भरा फौजी के तन में, ओ क्रोध भरा फौजी के तन में, Thank you.
है सब हथियार लिए संभाली थी राइफल हाथ वो चला जैसे जावे थरण में वो चला जैसे जावे थरण में तरे गरजता शेर चला जैसे गरजे था सतवीर गुजर से बदला लेने का निश्चय किया और यहां तक कि जिस ट्रक में वो बदमाश आए थे उसके ड्राइवर को अगली रात 1 बजे मार डाला और जगमाल के घर कटैया गढ़ी में सुबह धावा बोल दिया। जगमाल तो बच निकला और सतवीर भी हाथ ना लगा। अन्य जगमाल का भाई
बूंदी मारा गया। इस तरह महेंद्र फौजी और सतवीर गुजर की कट्टर दुश्मनी हो गई तथा एक दूसरे को जी जान से मारने पर उतर आए। मेहरबानों, 1 अक्टूबर 1989 को महेंद्र फौजी ने जगमाल को मार डाला। उसके बाद प्रोफेसर सतबीर ने 13 अगस्त 1990 को राशिद को लोनी में मार डाला, क्योंकि राशिद अली महेंद्र फौजी का संरक्षक था। दोस्तों, यह रंजिश चलती रही। 1992 को सतवीर सिंह दिल्ली में मारे गए। फौजी सतवीर के मरने के बाद अपना आत्मसमर्पण करना चाहता था। उसने यह बात अपने प्रिय दोस्त लक्कड़पाला को बताई। उसने महेंद्र फौजी को एक बात के द्वारा समझाया, और किस तरह समझाता है लक्कड़पाला उसका दोस्त महेंद्र फौजी को इस बात के द्वारा। हो अरे लक्कड़पाले यार, आज हथियार गेरने चाहूं रे, ओ मेरे यार। अरे मत गेरे हथियार महेंद्र यार, तने समझाऊं रे, ओ मेरे यार। बहुत दिना लिए बीते साथ में रहते रहते भाई, इसीलिए मन बात यार तेरी कदे नहीं ठुकराई। अरे बहुत दिना लिए बीते साथ में रहते रहते भाई, इसीलिए मन यार बात तेरी कदे नहीं ठुकराई। बिन मौत मरे मत अन्याय, मैं तेरा साथ निभाऊं रे, ओ मेरे यार। मेरा जानी दुश्मन मारा, आज किस पे हथियार उठाऊं रे, ओ मेरे यार। किसी दुश्मन ने दुश्मन कह के तेरे सामने खड़ा किया, अरे नू ते मैं भी जानू सू यो कहर जेर का बढ़ा दिया। और किस दुश्मन ने दुश्मन कह के तेरे सामने खड़ा किया, अरे नू ते मैं भी जानू सू यो कहर जेर न्यू बढ़ा दिया। अरे घर घर में तुमने लड़ा दिया, कहा तक इतिहास सुनाऊं रे, ओ मेरे यार। अरे अब अपनी सरकार यार न्यू चरणों शीश झुकाऊं रे, ओ मेरे यार। देखिए दोस्त, तो तुम कह रहे हो अपनी ही सरकार है, आप विश्वास करना छोड़ दें, नहीं तो महेंद्र एक दिन आपको अवश्य जाना पड़ेगा। भाई दोस्त, जब मेरा दुश्मन ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए खून बहाऊं। मैं जानता हूं तेरी बात जो तू कह रहा है, लेकिन सोच और समझ। हाय रे डरते ही हथियार मार दे, तने छोड़ेगी सरकार नहीं। फूलन देवी जैसी छुटकी मन न्यू होता इत बारे नहीं।
और दर्द हथियार मार दे तने छोड़ेगी हकार नहीं। ये बात भी सही है लेकिन मेरी बात सुन भाई। हाँ। जब फूलन जैसी देवी अच्छा छुड़ा दी गई रिहा कर दी गई है तो मेरा उसमें बड़ा दोष भी नहीं है। बाला रे दरते ही हथियार मार दे तने छोड़ेगी सरकार नहीं। जब रे फूलन जैसी रिया हुई मने न्यू होता ये तबारे नहीं तने अब जीना जन चारे नहीं। अरे साप साप बतलाऊ रे ओ मेरे यार मैं जग में जिंदा रहूं यार न्यू कहते चाचा ताऊ रे ओ मेरे यार। ममता देख बया करते और एक बात कितने मुंह अप अपनी लोग कया करते। अरे समझदार हो के फुजीना ममता देख बया करते एक बात कितने मुंह है अप अपनी लोग कया करते ना लालच देख बया करते मैं तेरी ओर लखाऊ रे ओ मेरे यार। गुरु धर्म पीर के छंद प्रेम से लकड़ पले गाऊ रे ओ मेरे यार। लकड़ पले यार आज हथियार गेरने चाहू रे ओ मेरे यार। हार मत गेर हथियार मैं नर यार देवी के सरकार द्वारा माफ कर दिए जाने के बाद महेंद्र फौजी ने भी अपने बचाव के लिए अपने निकटवर्ती सरकार के विधायक से सरेंडर होकर बचने की बात की तथा उस विधायक ने झूठी तसल्ली दे दी कि हम तुम्हें पुलिस में पेश करके सरकार द्वारा रिहा करा देंगे। मेहरबान हो फौजी उसके झूठे आश्वासन में आकर उस विधायक के कहने पर एक पथरी के ऑपरेशन के लिए सोनीपत में चला गया तथा पुलिस ने उसे बेहोश अवस्था में उठाकर बुलंदशहर ले गई। आगे का हवाला इस रागिणी के द्वारा। और फौजी ने हाथ में ना राइफल उठाई फौजी ने हाथ में ना राइफल उठाई और दो के सबांध शान दो के सबांध शान शेर की छुपाई फौजी ने हाथ में ना राइफल उठाई। संप्रण करावेंगे रस्सी में ले बांध तुझे हम बुलंदशहर भिजवावेंगे। अब
अब सरकार अपनी महेंद्र ना हम धोखा खावेंगे कहके श्री मुलायम से तत्काल रिहा करवावेंगे। टिकट तुझे दिल वावेंगे हम टिकट तुझे दिल वावेंगे तेरी हो जागे मन चाही धोके से बांध श्यान शेर की छुपाई। जीप में लिया महेंद्र करते आपस में बात चले तीनों दिशा छोड़ दी भैसे दक्षिण को असमा चले कपटी कपट धाक धोके से लेके आधी रात चले राजनीत के ला चक्कर में छड़ रत्ते का रामात चले। पलम मुठभेड़ी में फौजी मर गया लिख अखबारों में टेर दिया अपनी ना अपना करी अपनों ने कर अंधेर दिया। और धोखे से खपसेर दिया बल धोखे से खपसेर दिया कुछ पार ना बसाई हो जीन हाथ में ना राइफल उठाई। किसी नेता की है शान नहीं पर न्यू सोची ना भारत के माँ इससे बड़ा बेईमान नहीं पर अब जागी तेरी जान नहीं और अब जागी तेरी जान नहीं मन फौजी के समाई हाथ में ना राइफल उठाई और धोखे सब
पाई फौजी न हाथ में ना राइफल उठाई। हाँ तो मेहरबान हो, यह बात किसी भी व्यक्ति के गले नहीं उतरती कि महेंद्र फौजी मुठभेड़ में मारा गया, क्योंकि वह साहसी वीर भारतीय सेनानी निशानेबाजी में बहुत तेज था। उसके पास फौज में रहते हुए निशानेबाजी के कई मेडल प्राप्त थे। उसके पास AK-47 जैसे कई आधुनिक हथियार थे। वह कभी भी खाली नहीं चलता था, इसलिए विश्वास नहीं कि फौजी मुठभेड़ में मारा गया हो, क्योंकि उसका प्रशासन से कोई भी झगड़ा नहीं था। झगड़ा था तो आपस में भाई भाई में सतवीर सिंह से, तो अगली बात उसके चाचा मास्टर बलराज सिंह वह गांव के मुख्य आदमी, क्षेत्र के सभी लोग महेंद्र की लाश को देखने के लिए आए। महेंद्र की लाश तो दे दी गई, लेकिन हिंडन के पास गाजियाबाद के आगे रोक दिया गया कि उसका देह संस्कार हिंडन पर ही कर दिया जाए। मेहरबानों, वहां घर परिवार के सभी औरतें बच्चे और हिंदू धर्म की मर्यादा को निभाने के लिए उसके घरवाली कृष्णा देवी भी थी। दोस्तों, वहां महेंद्र फौजी की 16 वर्षीय बेटी सुकुमारी कुसुम रो रो कर क्या कह रही थी, इस बात के द्वारा कवि ने क्या लिख दिया वाला। अरे मेरे पिता को मारण वाला जना किस जननी ने शेर, विश्वास नहीं होता माया कोई दगा हुई हथ पे। मेरे रे पिता को मारण वाला जना किस जननी ने शेर, ना होता विश्वास मात कोई दगा हुई हथ पे। मर भारत मां का सच्चा सेवक सदर हरी तन के सीना, कई बार लड़ाई लड़ी देश की आज भाग पड़ा से ही ना। अरे गम का जहर पड़ेगा पीना गया मोह माया तज में, मेरे पिता को मारण वाला जनक इस जन्मी न से। और तेज निशाना मेरे पिता का मेरी मात गया ना खाली, मेरी आत्मा कहे पिता किन्नू धोखे सजान खाली। मेरे पिता से ना गोली चाली यू मान मार दिया से, मेरे री पिता को मारण वाला जना किस जननी न से।
की नींद में सोवे, मम्मी यू मेरा पापा को ना क्यों बेटी कहता मोवे। घर में घोरे अंधेर ना होता विश्वास, मात कोई दगा हुई हथ पे। भला बिन पापा के जग में मम्मी मारा कौन रुखाली रहेगा, बिगड़ी में आज जिस पे नाज ना कुछ कहने वाला कहेगा। धर्म वीर मम्मी दुख सहेगा, मिला लाव लगेगी दे, ना होता विश्वास मार दे लगा करी हथ पे। मेरे री पिता को मारन वाला जनक इस जननी ने शेर, ना होता विश्वास मात कोई दगा हुई हथ पे। हाँ तो मेहरबानो अपनी बेटी कुसुम के विलाप को सुनकर महेंद्र फौजी की घरवाली कृष्णा देवी बहुत बुरी तरह से रुधन मचाती है और उसके साथ उसकी चाची ताई तथा भाई रामशरण हैड़ा निवासी तथा महेंद्र फौजी के घर परिवार के सभी लोगों के साथ पूरा गांव तथा आसपास के बहुत गांव इकट्ठे हुए थे और सभी तसल्ली देते हैं। तो कृष्णा देवी का विलाप सुनिए किस तरह रो रही है इस बात के द्वारा। मरे के बीती साथ पति के, न्यू मेरे मन में ख्याल रह गया ना बोली बतलाई बेबे, मन में बड़ा मलाल रह गया। के बीती साथ पति के, न्यू मेरे मन में ख्याल रह गया ना बोली बतलाई बेबे, मन में बड़ा मलाल रह गया। तरिया में दिल डाटूं और किस तरह रंडा पा काटूं, किस तरह रंडा पा काटूं और जोबन का रंग कैसे छटूं। न्यूमन पापी गाल रह गया ना बोली बतलाई बेबे, मन में घड़ा मलाल रह गया। पुलिस ते था मेरे पिया का प्यार, मारती तो कद की देती मार, हो मारती तो कद की देती मार, एक शेर ने गया मारे शार मर, गिदड़ की वो ढाल रह गया ना बोली बतलाई बेबे, मन में बड़ा मलाल रह गया।
पति रह था मेरा, कई बार पुलिस ने आके घेरा, ओ कई बार पुलिस ने आके घेरा और हाथ मिला कर गई बडेरा। न्यू जिंदा कई साल रह गया ना बोली बतलाई बेबे, मन में घना मलाल रह गया। धर्मवीर नहीं शर्माया, मेरे तो सर का सुहाग मिटाया, ओ मेरे तो सर का सुहाग मिटाया और बन के काल शीश मंडराया। मोह ममता का जाल रह गया बिन सतगुरु के ज्ञान बिना, न्यू बेबे ये सुख पाल रह गया। हाँ तो मेहरबानो, सब घर परिवार की तसल्ली के बाद भी कृष्णा को यकीन नहीं होता था कि वास्तव में उसका जीवन का आधार शेर महेंद्र फौजी मारा गया है। और महेंद्र फौजी के लिए रोती रोती इस तरह कह रही है, क्या लिख दिया वाला, इस गलती पे रूठे सजना हमारे, इस गलती पे रूठे सजना हमारे, जिंदी रहूंगी अब किसके सहारे, किस गलती पे रूठे सजना हमारे। आखरी तमन्ना मेरी पर ना सकी पिया बात में, ऑपरेशन की कह के गया 10 दिन पहली मुलाकात में, किस गलती पे लूटे सजना हमारे। दे पिया मन समझा दे ब्याही वीर का, कौन है हिमाती साथी इस फूटी तकदीर का, Thank you.
बच्चे तुम्हारे किस गलती पे रूठे सजना हमारे के बाद में उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो क्या लिख दिया वाला प्रणाम महेंद्र फौज तुम्हें खुले तुम्हें सुरग के द्वार मिले प्रणाम महेंद्र फौज तुम्हें खुले तुम्हें सुरग के द्वार मिले तेरी याद में रोता है भारत तेरा साबिर हर बार मिले लोगों ने सताया था तुझको तेरा सब कुछ ही बर्बाद किया बदला लेने को तूने ये हर जहर भरा हुआ जाम पिया ये भाव जख्म तने आप सिया पर ऐसे ना तुझको यार मिले प्रणाम महेंद्र फौज तुम्हें खुले तुझे सुरग के द्वार मिले परिवार तुम्हारा रोता है एक बार तो धीर बंधा जाओ रे
का भाग जगा जाओ, एक बार दोबारा आ जाओ। तुमको यही परिवार मिले, परिणाम महेंद्र भोज तुम्हें, तुम्हें खुले सुरग के द्वार। हर घर में हुआ है शोक तेरा, कोई गरीब न कदे सताया तने। कह रही आत्माए सबकी, गुजर का नाम बढ़ाया तने। ये कैसा धोखा खाया तने, तुझे हर जन्म हमारा प्यार मिले। परिणाम महेंद्र भोज तुम्हें, तुम्हें खुले सुरग के द्वार। धर्मवीर मिटा मर्यादा पे, है कोट कोट प्रणाम तुम्हें। हमें सदा सदा मिले प्यार तेरा, और स्वर्ग से बढ़ के दाम मिले। तुम्हें खास मेवला ग्राम मिले, तुम्हें वैसे ही भाई चार मिले। प्रणाम महेंद्र भोज तुम्हें, तुम्हें खुले सुरग के